अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सी सब्ज़ी, ये देखकर ही आपको दिल खुश हो जाएगा। तो ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में बेहद अच्छी अच्छी सब्ज़ी आ रही है। तो ये ले ली मैंने ब्रोकली, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हम बनाएंगे इसकी बेहतरीन सी सब्ज़ी, जो देखने में तो खूबसूरत होगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रोकली को कट कर लिया है। एक आलू ले लिया बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ मैंने 2-3 गाजर लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको भी मैं गोल गोल टुकड़े करके इसके कट कर लूँगी। और टमाटर और जो शिमला मिर्च है उसको हम कट करके बाद में एक अलग साइड में रख लेंगे, उसको अलग डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा तेल का चम्मच ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तो उसमें डाली थी मैंने दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग डाल दी थी। उसके बाद मैंने 2 प्याज को काट के रख लिया था, उसको मैंने फ्राई होने रख दिया है। साथ में डाल दी लहसुन की कलियाँ, तो 8-1 कलियाँ ले ली हैं मैंने, 8-10 कलियाँ। और उसमें 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ग्रेट करके डाल दिया है। तो प्याज अदरक लहसुन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे। इसके बाद हम सारी सब्जियाँ डाल देंगे, सिर्फ टमाटर को और शिमला मिर्च को हम अलग छोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बेहद खूबसूरत आ जाएगा हमारा। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें अभी से ही किसी खूबसूरत लगने लगी ये सब्ज़ी। इसके साथ ही डाल देंगे हम हरी मिर्च कट कर। तो यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 4-5 हरी मिर्च काट कर ले ली थी और साथ में डाल दिया मैंने नमक। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा देर फ्राई होने देंगे और उसके बाद ढक्कन ढाँक कर हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने देंगे, ताकि हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ढक्कन हटाकर बीच बीच में हम इसको चला चला कर देख लेंगे, ताकि सब्जी हमारी जले भी नहीं और अच्छे तरीके से ये पक भी जाए। तो इस तरीके से हमारे अब 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे कि हमारी सब्जी गली है कि नहीं गली। तो मैंने एक आलू को चेक करके देखा तो ये अच्छे तरीके से गल चुके थे। तो इसके बाद हम डाल देंगे शिमला मिर्च और 2-3 मैंने टमाटर ले लिए थे, इसको भी बड़े बड़े पीसेज में मैंने कट करके रख लिया था। अब इसको डाल देंगे हम, और इसको अब हम डालने के बाद 5 मिनट के लिए और ढक्कन ढाँक कर इसको हम गलाएंगे, ताकि शिमला मिर्च और हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो करीब 5 मिनट और पकने के बाद ये देखें हमारे शिमला मिर्च और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये बेहतरीन सी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को, सबको ये पसंद आने वाली सब्ज़ी है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ब्रोकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसको तो खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये देखें खिली खिली सी हमारी सब्ज़ी, बेहतरीन गली हुई और ख़ूबसूरत सी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें बेहद अच्छा कलर आया है, तो बच्चे देखकर ही खुश हो जाते हैं। यूँ तो बच्चे किसी के भी सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब ये इतनी खूबसूरत सी सब्ज़ी हमारी दिखती है तो हर बच्चा इसको खुशी खुशी खाना पसंद करता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।